ट्रायली को ऊपर कर दी हमने, यहीं से खाली हो जाएगा डायरेक्ट। अब प्याज के खेत में लेके जा रहे हैं हम यूरिया खाद के आधे कट्टे को। और हमारा ट्यूबवेल का यहाँ से कनेक्शन है, पहले यहाँ से बंद करना पड़ता है और फिर यहाँ से। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है आप सभी का। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो गाइस अभी सुबह की 10:30 बज रही है और सुबह 6 बजे मैं खेत पे आ गया था और रात में मैं खेत पे ही था। सुबह जल्दी खेत पे से घर पे चला गया था और घर से जल्दी खेत पे आ गया था, क्योंकि रात में तो गाय की वजह से मुझे खेत पे रुकना पड़ता है और मोटर भी चलानी पड़ती है, और दिन में मोटर चलाता हूँ मैं खुद ही। कुछ दिनों से सारा काम खेत का मैं ही कर रहा हूँ और घर का काम पापा करवा रहे हैं। और जो हम कल खाद छिपा रहे थे, जिनको हम लेके आए थे, वो जल्दी चले गए थे, दोपहर की 3 बजे चले गए थे वो। सुबह हम उनको 10 बजे लेके आए थे और पूरे दिन के पैसे दे दिए थे मैंने उनको कल भी। और आज हम दूसरे को लेके आए हैं, आज वो दिन भर काम करेंगे और पर पर्सन 600 रुपए के हिसाब से आए हैं ये। और अब देखते हैं आज खाद छुपा रहे हैं और पापा लेके गए हैं उनको घर पे और ट्रैक्टर भर के लाने वाले हैं थोड़ी सी देर में खाद का। और उस जगह पे हमें जगह खाली करनी है, क्योंकि वहाँ की जगह पे प्लास्टर होगा, बगल में दीवार प्लास्टर होगा। तो उस जगह पे इन्हें आप सभी को पुरानी वीडियो में बताया था और आज बता दूंगा मैं। अभी पापा गए हैं बहादुर घोड़े को लेके, ट्रायली पीछे फंदी हुई है और इसमें खाद भर के लाएंगे। और ये दो भाई है जिनको अभी पापा लेके आए सुबह पहली, एक ट्रायली इन्होंने खाली कर दी है, अब दूसरी ट्रायली लेने जा रहे हैं ये, पूरा खाद फेंक देंगे आज ही। इसलिए मुझे दिन भर खेत पे रहना पड़ता है और दिन भर पूरा काम खेत का मैं ही करता हूँ। और यहाँ पे मैंने चार्जर का सिस्टम कर लिया है, यहाँ पे फोन चार्ज करता हूँ और यहाँ पे थोड़ी बहुत देर फोन देख लेता हूँ, जो भी काम कीजिए वो कम्प्लीट कर लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग और ऐसा। और यहाँ पे मोटर चला देता हूँ, अभी लाइट गई है वैसे, नहीं तो मोटर चालू रहती है दिन भर। और यहाँ पे हमने एक स्टेटर लगा रखा है, ऑटोमेटिक लाइट आएगी ये ऑटोमेटिक चालू कर देगा, और अगर कमजोर लाइट आई तो ये ऑटोमेटिक बंद कर देगा, अपनी ट्यूबवेल बिल्कुल सेफ रहेगी इससे। अभी दोपहर की 12:30 बज चुकी है और घर पे जा रहा हूँ मैं, भूख काफी तेज लग रही मुझे और अभी लाइट भी नहीं आई, तो इतने खाना भी खाया आऊंगा मैं और घर का जो भी काम है वो देख कर जाऊंगा। कुछ जरूरत तो नहीं है कारीगर साहब को, अगर कुछ जरूरत होगी सामान तो वो भी लाना पड़ेगा, क्योंकि घर का काम चल रहा है इसलिए। तो फटाफट खाना खा लेता हूँ मैं चल के पहले। तो 4-5 दिनों से गर्मी काफी तेज पड़ने लग गई, धूप भी काफी तेज आ रही, सुबह भी इतनी ठंड नहीं पड़ रही, इसलिए फसल भी जल्दी आने वाली है। अब ठंड भी गायब हो गई धीरे धीरे। तो अभी घर पे पहुंच गया हूँ मैं और अभी खाद की ट्रायली भर दी हमारी फुल, गीला खाद है शायद, है नहीं दादा? गीला खाद है इसलिए दिक्कत आ रही होगी थोड़ी बहुत, आ रही क्या दिक्कत? हाँ, थोड़ी बहुत ही आ रही है, ज्यादा तो नहीं आएगी। तो ट्रायली भर रहे इतने, खाना खा लेता हूँ और फिर ट्रायली खाली करने जाएंगे खेत पे हम। और अंदर भी कंटिन्यू काम चल ही रहा है और बाहर आ गया, अब अंदर भी कंप्लीट कर दिया और बाहर का कंप्लीट होने वाला है बस लास्ट तक। तो गाइस अभी हमारा खाना आ चुका है, खाने में आलू की सब्जी और रोटी है, आलू मटर की सब्जी है, फटाफट खाना खा लेते हैं अपन, फिर मिलते हैं। तो गाइस खाना पीना हो चुका है अपना कंप्लीट और दादा उनका खाना पीना कंप्लीट हो चुका है, अब लेके जा रहे हैं हम, इन्होंने ट्रायली भर दी है खेत पे खाली करने के लिए। घर से खेत लगभग 1/2 किलोमीटर पड़ता होगा अपने पास। मैं उतर गया हूँ ट्रैक्टर से और पापा को बिठा दिया मैंने, वो ट्रायली को खाली कर देंगे। अभी हमने इसी जगह पर खाद खाली करा था और आज भी इसी जगह पर कर रहे हैं, क्योंकि अभी खाद गीला है इसलिए खेत में नहीं फैला रहा है, अगर गीला खेत में फैला दिया तो ये ना ज़्यादा ज़मीन में वर्क नहीं करेगा, इसलिए एक जगह पर जब तक ये सूखेगा नहीं, ये सूख जाएगा 2 या 3 महीने में, अब गर्मी पड़ने लगी जल्दी सूख जाएगा और फिर फैलाएंगे अपन खेत में इसे। रीस में ले आए फिर से ट्रैक्टर को और इसके ऊपर ही खाली कर देंगे बच्चे, जो ट्रायली को ऊपर कर दी हमने, यहीं से खाली हो जाएगा डायरेक्ट। ट्रायली को फुल ऊपर कर दी हमने, आगे पीछे ट्रैक्टर लेंगे ताकि झटके से खाद सारा खाली हो जाएगा पीछे। ये देखो होने लग गया वैसे ही, अभी झटके से आगे पीछे करेंगे ताकि खाद खाली हो जाएगा। ट्रैक्टर को आगे पीछे बार बार इसलिए कर रहे ताकि एकदम से खाद खाली हो गया और वैसे हो भी गया खाली, बस इतनी ऊपर। अभी सारा खाद हमने खाली कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ मोटर चलाने और फिर से एक ट्रायली और निकलेगा, तो अभी वापस घर पे लेके जाना पड़ेगा बहादुर घोड़े को और एक ट्रायली और भर के लाएंगे और यहीं पे खाली करेंगे, बस आज खत्म हो जाएगा खाद। और जिस जगह में खाद फेंक रखा था अपन ने, मतलब जिस जगह खाद हमने रख रखा था घर पे, उस जगह पे हम सामान पटकेंगे, क्योंकि चद्दर वद्दर जो सामान निकलेंगे अभी घर से, जिस जगह अपना छत पड़ेगा वो दिखाऊंगा मैं आप सभी को, वो छत का सामान निकलेगा वो खाद की जगह पटक देंगे हम और उसके बगल में प्लास्टर हो जाएगा। तो गाइस सुबह से खेत पे हूँ मैं और लाइट का वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक लाइट आई नहीं है, बल्ब चल जाएगा, लाइट आएगी तब और ऑटोमेटिक मोटर चल जाएगी। अब मैं तो घर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ काम भी नहीं, मुझे घर पे काम करवा लूंगा जो होगा वो सब। अभी हमारी ट्रायली आधी भरा चुकी है और आधी और बाकी है, फिर लेके चले जाएंगे पापा और मैं घर का काम करवा लूंगा इतनी देर। और इस जगह पे भी हमारा छत पड़ेगा इसलिए चद्दर निकालने पड़ेंगे, इसलिए हमने जगह करी है
ये वाली सामने देख रहे हो, जगह खाली कर रहे हैं हम, यहाँ पे रखेंगे चद्दर का सारा सामान इस जगह में, इसलिए गोबर फेंकवा रहे हैं हम, खाद सॉरी। इस जगह को 2 दिन में हम सारी को खाली कर देंगे और यहाँ पे छत पड़ेगा फिर हमारा। तो गाइस अभी मार्केट जा रहा हूँ मैं, और कारीगर साहब ने बोला है बहुत सारा सामान चाहिए, एक तो झाड़ू चाहिए फुल झाड़ू, और एक वो फॉर्म मुझे तो पता नहीं, उनकी बात करवा दूंगा मैं, तो मैं ले आता हूँ अभी वो। लो सर 2 फुल झाड़ू और एक फॉर्म दे दो तुम। 2 फुल झाड़ू एक फॉर्म ले लिया हमने, अब लेके चलता हूँ उनको घर पे। आज पुरुषोत्तम भाई काम पे गया हुआ है, शाम को आएगा वो भी, और उसके बदले का भी आज मुझे काम करना पड़ेगा। दिन भर साथ रहता है वो मेरे, पूरा काम करवाता था मेरा, लेकिन अब उसको भी काम करना पड़ेगा, पैसों की जरूरत है उसको भी बहुत। और मैंने आगे रख लिया फुल झाड़ू ये सब सामान। लो सर फॉर्म भी लो, ठीक है। प्लास्टर में जो भी सामान चाहिए था वो ला दिया मैंने, अब जा रहा हूँ मैं सीधा खेत पे, तो ट्रायली भराएगी हमारी खाद खाली करने। लाओ बेटो सर, बैठो दादा, उनको बिठा लिया मैंने, चलते अपन। और अभी पापा का कॉल आया है खेत से, खेत पे लाइट आ गई है, तो ट्रैक्टर उनको दे दूंगा और मैं चला जाऊंगा मोटर चलाने। खेत पे पहुंच गया हूँ, लाइट भी आ गई, लेकिन लाइट इतनी ज़्यादा डिम है, मोटर तो शायद ही चले, बहुत कम पानी दे रही है मोटर, चलते रही लाइट डिम की वजह से। और यहीं पे अब फ़ोन चार्ज लगा लेता हूँ, सुबह से चार्ज भी नहीं लगाया फ़ोन। लाइट तो आ चुकी है, मोटर चला दी हमने, अब हम यूरिया खाद लेके जा रहे हैं हम, और प्याज के खेत में फेंकेंगे ये खाद और ऊपर से पानी निकालेंगे। फिर कट्टे में ज़्यादा वजन है इसलिए आधा आधा करके लेके जा रहे हैं हम, और उसमें से आधा इसमें कर लेते हैं अभी। अब प्याज के खेत में लेके जा रहे हैं हम यूरिया खाद के आधे कट्टे को। दादा भाई ने काम किया था सुबह से, और दादा भाई को पैसे दे दिए, अब जा रहे हैं 1200 रुपए दे दिए। अब कहाँ जाएगा? अब लेरचा। लेरचा जाएगा बिहार, कितने किलोमीटर है यहाँ से? ब्यावरा से 20-22 किलोमीटर दूर जाएंगे। अभी शाम की 5 बज चुकी है, दादा अब जाने वाले और मैं भी जाने वाला हूँ थोड़ी देर में खेत में मोटर चलाने। खेत में पाइप लगा रहे हैं हम ये वाला, क्योंकि मोटर चलाएंगे, पहले मोटर चलाएंगे, मोटर का पाइप लगा के मोटर चला देंगे, फिर ऊपर से यूरिया खाद फेंक देंगे हम। अभी हमने पाइप फैला दिया है, एक पाइप और चाहिए अभी हमें, तो एक पाइप और लेकर आएंगे हम, क्योंकि उस जगह हमें पानी पहुंचाना है, उस जगह से फिर इधर आएगा नीचे साइड पानी। सारे छोटे मोटे पाइप ले आए हम, ये रखे और वहाँ पे एक पाइप वो है जो सामने दिख रहा हो आप सभी को, वहाँ लेके जाना है इन पाइप और को, सारा लगाना है यहाँ प्याज के खेत में, लगा के फिर खाद फेंक देंगे, ऊपर से पाइप लगा देंगे ताकि मोटर चला देंगे हम खाद फेंक कर। लेके जा रहा हूँ छोटे छोटे पाइप, इसलिए हर जगह फिट करना पड़ रहा है इनको, नहीं तो पानी बहेगा, ये हर बार पानी बहता है, अगली बार पाइप लाइन गड़वा देंगे हम, पाइप की ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम। और यहाँ से हमारा लाइट का कनेक्शन है पूरा, यहाँ से मोटर लगा देता हूँ वायर, मोटर के सूरी यहाँ से मोटर के वायर लगा देता हूँ। कुएं की मोटर चलाते ही ट्यूबवेल कम पानी देने लग गई, ये वाला देखो कुएं तो पानी भरा हुआ है क्योंकि ट्यूबवेल चल रही थी तब से, ट्यूबवेल कम पानी देने लग गई। अब मैं जा रहा हूँ दौड़ का ट्यूबवेल बंद करने, क्योंकि एक ही चलती है एक टाइम पे, ट्यूबवेल चला लो या कुएं की चला लो। और हमारा ट्यूबवेल का यहाँ से कनेक्शन है, पहले यहाँ से बंद करना पड़ता है और फिर यहाँ से। खेत का जो भी काम था वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ मार्केट, थोड़ा काम है मुझे वो करके आना है, अब बचा है वो माता श्री कर देंगी यहाँ खेत का। हाँ पुरुषोत्तम भाई का आटा लेके जा रहा है पिसवाने के लिए, और एक गाड़ी पे 3 और ऊपर से आटा तो पिसवाने जा रहे हैं। क्यों पुरुषोत्तम भाई? आटा चक्की पुरुषोत्तम भाई का आटा पटक दिया हमने, उधर से आएंगे तब ले आएंगे मार्केट से। ले जल्दी आ जा पुरुषोत्तम भाई, बैठो भाई, हो TVS पर स्प्लेंडर जैसी गाड़ी नहीं चल रही। अभी रात की 12:30 बज रही और मोटर चल रही है अपने खेत में, तब भी लगा रखा मैंने यहाँ पे तापने के लिए, और कोई भी जानवर आए तो इससे बचने के लिए सेफ्टी रहती है अपनी। और रात दिन में लाइट नहीं आई थी इसलिए हमने रात में मोटर चला रखी है, तो गाय का भी ध्यान रख लेंगे, खेत में गाय नहीं आने देंगे, और साथ में मोटर भी चल रही है हमारी, तो दोनों काम हो जाएंगे। और अभी 2 बजे तक मोटर चलाऊंगा, क्योंकि 2 बजे तक खेत अपने कुएं में पानी है, और दिन में लाइट नहीं थी, डिम लाइट थी और चल नहीं रही थी 2 मोटर, तो इसीलिए अभी चलाना पड़ रहा है मुझे। और इस वीडियो को कहीं पे एंड करते, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिया, नए चैनल सब्सक्राइब कर दिया, मिलते कल नई वीडियो में, बाय बाय।